नमस्कार, मैं आनंदमयी बिहारी न्यूज से मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिहार में अब आएगी शांति, क्योंकि पुलिस के साथ साथ सभी सरकारी कर्मचारियों को शराब नहीं पीने का आदेश दिया गया है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों का शपथ पत्र हस्ताक्षर सहित पूर्ण रूप से भरकर 29 जुलाई को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दिया जाए। गौरतलब है कि 12 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किए गए बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया, जिसमें शराब नहीं पीने की शपथ और शपथ पत्र को भरकर हस्ताक्षर सहित देने को कहा गया है। शपथ पत्र में यह लिखा है कि आजीवन शराब नहीं पिएंगे और न ही किसी को पीने देंगे, दूसरे लोगों को भी शराब नहीं पीने की प्रेरणा देंगे, जिससे हमारा समाज और देश सुंदर और सभ्य बनने में सहायक होगा। अब सीएम के आदेशानुसार 29 जुलाई को सभी सरकारी दफ्तरों में शराब नहीं पीने की घोषणा करवाई जाएगी। उस दिन वे लोग ये कहेंगे कि हम शराब का सेवन नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। सभी कर्मी उसी दिन अपने अपने शपथ पत्रों में यह भर कर देंगे कि वे शराब नहीं पिएंगे और अगर शराब पीते पकड़े जाते हैं तो वे दंड के भागी ठहरेंगे। इस मामले में उत्पाद आयुक्त द्वारा सभी डीएम, कमिश्नर और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा जा चुका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यही वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।